युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ई रिक्शा स्कीम के तहत हमीरपुर में जिला के 40 बेरोजगार युवाओं को एक साथ ई रिक्शा के परमिट भी जारी किए गए। हमीरपुर में आयोजित रोड सेफ्टी मीटिंग में पहुंचे परिवहन निदेशक जेएम पठानिया ने युवाओं को परमिट बांटे। कार्यक्रम के दौरान एचआरटीसी के आरएम विवेक लखनपाल, आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ई रिक्शा स्कीम के तहत हमीरपुर में आज जिला के 40 बेरोजगार युवाओं को एक साथ ई रिक्शा के परमिट भी जारी किए गए। हमीरपुर में आयोजित रोड सेफ्टी मीटिंग में पहुंचे परिवहन निदेशक जेएम पठानिया ने युवाओं को परमिट बांटे। कार्यक्रम के दौरान एचआरटीसी के आरएम विवेक लखनपाल, आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय हमीरपुर में रोड सेफ्टी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम समेत जिले के सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया। बैठक में परिवहन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने समय सारणी, रोड सेफ्टी व अन्य मुद्दों के बारे में परिवहन निदेशक को अवगत करवाया। निदेशक परिवहन जीएम पठानिया ने बताया कि आज रोड सेफ्टी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 40 बेरोजगार युवाओं को एक साथ ई रिक्शा के परमिट भी जारी किए गए। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के तीन मॉडल सिलेक्ट किए गए हैं, वो तीनों मॉडल इलेक्ट्रिकल हैं, जिनमें डीजल और पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा का फायदा उन क्षेत्रों को होगा जहां बसें नहीं पहुंच पाती हैं। आपको बता दें कि अभी तक जिला में दो ही थ्री व्हीलर काम कर रहे हैं और जिला के अन्य हिस्सों से भी बेरोजगार युवाओं ने भी परमिट के लिए आरटीओ के पास अप्लाई किया था, जिन्हें आज परमिट बांटे गए। ई रिक्शा का बेसिकली आप देखें कि हमारा जो रिक्शा है, प्लस हमारा बस, टैक्सी और रिक्शा, ये तीनों जो है रोड ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब जो ई रिक्शा है वो हमारा लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई आदमी अगर बस से उतरता है, उसको अपने घर जाना है, तो उसके लिए उसको ई रिक्शा का सहूलत उसको मिलेगी। तो उसमें हमारा जो डीजल का रिक्शा है और पेट्रोल का रिक्शा है, उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि हम ई रिक्शा जो है उसको प्रमोट करेंगे, ताकि हमारा एनवायरनमेंट में फ़ायदा हो। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फेम टू स्कीम के तहत इनको 35,000 रुपये की सब्सिडी जो है वो ई रिक्शा वालों को मिलती है। और साथ में इनका जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में 20,000 रुपया पर ई रिक्शा हमने इसको सब्सिडी प्रपोज किया है। इसके साथ जो ई रिक्शा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका जो परमिट है उसको माफ़ किया हुआ है, इसका टोकन टैक्स जो है वो माफ़ है, तो इनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम होगा, तो ई रिक्शा के लोग जो है उनको भी प्रॉफिट होगा और हमारे को एनवायरमेंट फ्रेंडली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा। सर, आपने कहा कि 35,000 रुपया जो है। कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।